इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया का अंत हो गया है। हानिया की मौत ईरान की राजधानी तेहरान में हुई एक हमले में। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया मिसाइल अटैक में मारा गया है। वह तेहरान में रुका हुआ था। हमला बुधवार तड़के हुआ। हमले में उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में शामिल होने के लिए तेहरान में था। इस्माइल हानिया ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले की पूरी प्लानिंग की थी। हमास लड़ाके हानिया के इशारे पर काम करते हैं। वे 2006 से हमास की सुप्रीम कमांडर रहा। हानिया जहां पर मारा गया वो ईरान का सबसे सुरक्षित इलाका है। राष्ट्रपति के घर से 150 मीटर दूर हानिया का निवास है। इतना संवेदनशील इलाका होने के बावजूद वहां मिसाइल हमला हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हानिया की हत्या में कोई अपना शामिल है। हानिया की मौत पर हमास का बयान भी सामने आया है। आतंकी संगठन की ओर से कहा गया है कि हानिया की हत्या कायरतापूर्ण कृत्य है। हमास ने हानिया की मौत में इसराइल का हाथ होने की बात कही है। उधर ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है, यानी कि IRGC कहते हुए नजर आए हैं कि बुधवार तड़के किया गया ये हमला घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। बयान में हमास नेता की मौत पर फिलिस्तीन के लोग, मुस्लिम जगत और हमास के लड़ाकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। पूरा मामला क्या था? दरअसल हमास चीफ इस्माइल हानिया मंगलवार 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेक्शियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनाई से मुलाकात की थी। इसके अगले ही दिन बुधवार यानी कि आज सुबह इसराइल ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बयान जारी कर कहा है कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया है। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। देखा जाए तो ईरान वो मुल्क है जो पश्चिमी देशों को परमाणु की धमकी देता रहता है। वो अमेरिका और उसके दोस्त इसराइल को आंख दिखाता है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को वो शह देता है। वो सीधे ना तो इसराइल से जंग लड़ रहा और ना ही अमेरिका से, लेकिन उसकी मदद से ही तीनों संगठन, इसराइल ही नहीं अमेरिका और कई पश्चिमी देशों से पंगा ले रहा है। हानिया के मारे जाने के बाद इसराइल का गाजा में अभियान चलना आसान हो सकता है। आपको बता दें यहया सिनवार को हमास की कमान मिल सकती है। सिमार की भूमिका देखी जाए तो एरिया कमांडर के तौर पर रही है। वहीं हानिया के बारे में जानिए तो देखा जाए कि हानिया आतंकी संगठन हमास का नेता था। वे नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेक्शियन के शपथ ग्रहण के लिए ईरान का दौरा कर रहा था। हानिया के 3 बच्चों की मौत इस साल अप्रैल में हुई। वहीं पिछले महीने उसकी बहन की मौत हुई थी। हानिया का जन्म लगभग 1962 में गांजा पट्टी के अल शादी शरणपट्टी शिविर में हुआ था। उसने गाजा इस्लामिक विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य का अध्ययन किया और फिर वह हमास से जुड़ गया। 2006 में हमास के चुनाव जीतने के बाद संगठन का नेता बना। जब हमास ने फिलिस्तीनी विधानसभा चुनावों में बहुमत सीटें जीती तो हानिया के गाजा स्थित निवास को आतंकवादी बुनियादी ढांचे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। नवंबर में IDF के हवाई हमले में भी वो प्रभावित हो गया था। हानिया आमतौर पर कतर में रहता था। हानिया की मौत पर इसराइल के मंत्री की बात की जाए तो अमियाई इल्याहा ने कहा है कि दुनिया अब कुछ हद तक अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस गंदगी से साफ करने का यही सही तरीका है। उन्होंने कहा कि इस निश्वर लोगों के लिए कोई दया नहीं। हानिया के खात्मे को इसराइल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब तक इसराइल ने खुले तौर पर हमले को अंजाम देने की बात नहीं कबूली है, लेकिन इसराइल में हानिया की मौत के बाद आम लोगों के साथ साथ मंत्रियों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।